टुडे आवर टॉपिक इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड द ट्री डायग्राम्स। इस टॉपिक के अंदर आज हमने ट्री डायग्राम्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इस टॉपिक के अंदर आज हमने स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ट्री डायग्राम्स। वो कह रहे हैं कि ट्री डायग्राम्स की इंटरप्रिटेशंस के अंदर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरप्रिटेशंस के मीनिंग होते हैं वजाहत करना, इसके उर्दू मीनिंग है वजाहत करना। तो वो कह रहे हैं कि जो ट्री डायग्राम्स की इंटरप्रिटेशंस होती हैं, यानी कि जो ट्री डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन होती है या वजाहत होती है, उसके अंदर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। हम जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं, 7 पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है शोइंग रिलेशनशिप अबव द स्पीशीज लेवल, राइट। सेकेंड पॉइंट इज़ एवोल्यूशन एट स्पीशीज लेवल। थर्ड पॉइंट इज़ शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव। फोर्थ पॉइंट इज़ शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव एट टिप्स ऑफ ब्रांचेज। फाइव पॉइंट इज़ लैडर लाइक प्रोग्रेशन। सिक्स्थ इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन एंड द सेवन्थ पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेशन एज इन्वर्टेड कोन। अब हम वन बाय वन इन 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो हियर वी हैव फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ शोइंग रिलेशनशिप अबव द स्पीशीज लेवल। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी ट्री जो है इट क्लैरिफाइज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड टाइम स्केल्स। एवोल्यूशनरी ट्री के अंदर जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, वो क्लैरिफाई किए गए होते हैं। एक ऑर्डर फॉर्म में वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं एवोल्यूशनरी ट्री के अंदर। और इसके अलावा टाइम स्केल भी प्रेजेंट होता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइम पीरियड के अंदर आया है, उसकी एवोल्यूशन कब हुई है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कब एक्सटिंक्ट हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं बट दीज शोज रिलेशनशिप अमंग द लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन अबव द स्पीशीज लेवल। बट वो कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के दरमियान शो हो रहे हैं। और कौन से लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के दरमियान शो हो रहे हैं? अबव द स्पीशीज लेवल। स्पीशीज लेवल से अबव वाले जो लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं उन लेवल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप शो हो रहे हैं। सो दे आर अ सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स के जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो कि स्पीशीज लेवल से अबव वाले लेवल्स के अंदर शो हो रहे हैं, अबव वाले लेवल्स के अंदर क्लास लेवल आता है, फाइलम लेवल आता है, ऑर्डर लेवल आता है, फैमिली और बाकी सारे लेवल्स जो हैं ये जो स्पीशीज लेवल से ऊपर प्रेजेंट है, अबव प्रेजेंट है, वो सारे लेवल्स जो हैं इनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स शो हो रहे हैं। और ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं? ये इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे क्योंकि जो अबव लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप शो हो रहे होते हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके दरमियान रिलेशनशिप तो शो हो रहे होते हैं लेकिन वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो सेपरेट एंसेस्टर रखते हैं लेकिन वो आपस में फिर भी सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं। तो हम किसी ऑर्गेनिज्म जो आपस में दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि इनका एंसेस्टर सेम होगा। हो सकता है उसका एंसेस्टर सेम हो सकता है उसका एंसेस्टर डिफरेंट हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज कर रहे हैं। जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं अबव द स्पीशीज लेवल, दीज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट जिसके अंदर आ रहा है एवोल्यूशन एट स्पीशीज लेवल। इस पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशन होती है वो स्पीशीज लेवल पर होती है, वो हायर टैक्सोनॉमिक लेवल्स पर या हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर एवोल्यूशन नहीं होती है। इसके अंदर हम देखते हैं एवोल्यूशन अकर्स इन स्पीशीज ग्रुप। वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन जो होती है वो स्पीशीज ग्रुप्स के अंदर अकर करती है। स्पीशीज ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेंबर्स ऑफ सेम पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीशीज ग्रुप्स कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन जो होती है वो स्पीशीज लेवल से ही स्टार्ट होती है, वो हायर टैक्सोनॉमिक लेवल्स पर नहीं होती है। कैसे? अगर यहाँ पर मैं डार्विन फिंचेस की एग्जांपल दूँ कि जो डार्विन फिंचेस ने फिंचेस के बारे में जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने क्या देखा था कि एक फिंचेस की एक ही स्पीशीज़ थी, ठीक है, एक सिंगल स्पीशीज़ थी, लेकिन वो सिंगल स्पीशीज़ फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर गई और डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर मूव करने के बाद उनके अंदर एवोल्यूशन हो गई, उनके अंदर चेंजिंग आ गई और वो एक स्पीशीज़ से वो उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो बन गई, ठीक है। एक स्पीशीज़ थी, फिर उससे उसकी डिफरेंट टाइप्स निकल आई डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर मूव करने की वजह से। किसी की बीक लंबी हो गई, किसी की बीक शॉर्ट हो गई, तो जिस तरह का एनवायरनमेंट उनको मिला उन्होंने उस तरह की अडेप्टेशंस कर ली।
तो लेकिन एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्पीशीज़ लेवल से स्टार्ट हो रही है। फिंचेस के अंदर हमने क्या देखा था कि एक स्पीशीज़ थी, उसी से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी और उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स बन गई। तो एवोल्यूशन वो कह रहे हैं कि स्पीशीज़ लेवल से ही स्टार्ट होती है, ये हायर टैक्सोनॉमिक लेवल्स पर जाकर स्टार्ट नहीं होती। तो यही इस पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन जो है वो स्पीशीज़ लेवल पर होती है, हायर टैक्सोनॉमिक लेवल पर नहीं होती। लिहाजा हम किसी भी हायर टैक्सोनॉमिक लेवल को एंसेस्ट्रल का दर्जा नहीं दे सकते। हम किसी भी हायर टैक्सोनॉमिक, जैसे कि यहाँ पर फाइलम है या क्लास है, हम इन फाइलम को या क्लास को एंसेस्ट्रल का दर्जा नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी क्लास जो है ये इस ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर है। जैसे यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स होते हैं बर्ड्स के भी और मैमल्स के भी। यही इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं वो बर्ड्स के भी एंसेस्टर्स हैं और मैमल्स के भी एंसेस्टर हैं। ये हैं इनके एंसेस्ट्रल। तो इनको जो दर्जा दिया गया है वो एंसेस्टर का दर्जा दिया गया है। और ये क्लास लेवल स्टेटस है इनके पास। रेप्टाइल्स का स्टेटस क्या होता है? क्लास लेवल स्टेटस होता है रेप्टाइल का। तो यही वो कह रहे हैं कि देयरफॉर शोइंग फाइला और क्लासेस एज एंसेस्टर इज मिसलीडिंग। ये मिसलीड कर रहा है कि जो एवोल्यूशन होती है वो तो स्पीशीज लेवल पर कर करती है, हायर टैक्सोनॉमिक लेवल पर तो कर नहीं करती। फिर कैसे कोई हायर टैक्सोनॉमिक लेवल जो है उसको एंसेस्टर का दर्जा दे दिया जा सकता है? तो यही कह रहे हैं कि ये जो रेप्टाइल्स, यहाँ पर हमने कहा कि ये रेप्टाइल्स जो है ये इसको रेप्टाइल्स जो एक क्लास लेवल स्टेटस है, हम कैसे कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स जो है ये एंसेस्टर है बर्ड्स का भी मैमल्स का भी? तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है मिसलीडिंग क्रिएट कर रहा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे ज़रूर कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, और मतलब जो कि मैमल्स के पास भी प्रेजेंट है, कि इनके पास कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो मैमल्स हैं वो किसी जो स्नेक से पैदा हुए हैं या वो किसी टर्टल से पैदा हुए हैं। स्नेक्स क्या है? रेप्टाइल हैं। टर्टल क्या है? रेप्टाइल है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मैमल्स हैं वो स्नेक से पैदा हुए हैं या टर्टल से पैदा हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो मैमल्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं, जो कि रेप्टाइल से सिमिलर है। हम ये कह सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर है शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव। वो कह रहे हैं कि जो लास्ट पॉइंट के अंदर हमने कहा कि सम फाइला और क्लासेज आर शोन एज एंसेस्ट्रल, के कुछ फाइला और क्लासेज जो होते हैं उनको एज ए एंसेस्ट्रल शो किया जाता है, ठीक है, वो एंसेस्टर के तौर पर शो हो रहे होते हैं। तो ये जो एंसेस्ट्रल फाइला या एंसेस्ट्रल क्लासेज होती हैं इनके अंदर मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, उनको मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम एंसेस्टर नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी और उनके डिसेंडेंट्स की एज बाज़ोकात सेम होती है। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं ये एंसेस्टर्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स होते हैं किसके? मैमल्स के, ये कहा था, और मैमल्स को हमने डिसेंडेंट्स कह दिया, ठीक है। अब जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है और जो डिसेंडेंट्स ग्रुप है, बाज़ोकात इन दोनों ग्रुप्स की एज जो होती है वो सेम होती है। सेम एज होने की वजह से जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, मिसलीडिंग क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि फादर और उसके ऑफस्प्रिंग्स की एज सेम हो, ठीक है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स की एज सेम नहीं होती है। पेरेंट्स हमेशा ओल्ड एज के होते हैं और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो मॉडर्न होते हैं। तो ये शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव थर्ड पॉइंट के अंदर यही कह रहे हैं कि जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ओल्ड एज के होते हैं और जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो मॉडर्न होते हैं। तो जो मॉडर्न जो एंसेस्टर फाइला और क्लासेस होते हैं ये मिसलीडिंग क्रिएट करते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बाज़ोकात एंसेस्टर्स भी सेम एज के हो जाते हैं और डिसेंडेंट्स भी सेम एज के हो जाते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है, जो कि मिसलीडिंग क्रिएट कर रहा है। तो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर कह रहे हैं शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेस। वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ट्री डायग्राम्स की टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ ट्री डायग्राम। वो कह रहे हैं कि दे मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज़, क्योंकि ये जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये ट्री डायग्राम की टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लिहाजा ये अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से काफ़ी डिफरेंट हो चुके होते हैं, काफ़ी इवॉल्व हो चुके होते हैं। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, कि ये बहुत डिफरेंट होते हैं अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि जो जूलॉजिस्ट यूज़ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव फॉर शोइंग जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज़। जूलॉजिस्ट मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के जनरल करैक्टरिस्टिक्स
शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये दे नेवर स्पेसिफाइड डिटेल्स ऑफ एंसेस्टर्स स्ट्रक्चर फंक्शन और इकोलॉजी, ठीक है। ये जो है अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ उनके उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती है जिसके अंदर एंसेस्टर्स का स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन आता है, इकोलॉजी आता है, उसको ये शो नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं और ये ट्री डायग्राम्स की टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ लैडर लाइक प्रोग्रेशन। लैडर लाइक प्रोग्रेशन के अंदर वर्ड जो प्रोग्रेशन है इसके मीनिंग होते हैं प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग, इसके अंदर लिखती हूँ इट्स मीनिंग इज प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग एंड मूविंग ग्रेजुअली के आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करना या डिवेलपमेंट करना। और लैडर लाइक का मतलब होता है सीढ़ी की तरह या वी कैन से दैट स्टेप बाय स्टेप। तो वो कह रहे हैं कि लैडर लाइक प्रोग्रेशन ये है कि ट्री डायग्राम्स के अंदर लैडर लाइक प्रोग्रेशन होती है, सीढ़ी की तरह मूवमेंट होती है स्टेप बाय स्टेप। पहले रूट होता है, फिर उससे डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं और स्टेप बाय स्टेप उसकी जो है मूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये है कि लैडर लाइक प्रोग्रेशन होता है ट्री डायग्राम्स का। इसके अंदर हम देखते हैं कि एवोल्यूशनरी ट्री ऑफन शो अ लैडर लाइक प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी ट्री जो है ये लैडर लाइक प्रोग्रेशन शो कर रही है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं बट एवोल्यूशन हैज़ ऑफन रिजल्टेड, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वो कह रहे हैं लेकिन अक्सर जो है एवोल्यूशन रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। अक्सर जो है वो एवोल्यूशन के रिजल्ट में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होती है बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस्ड भी हो जाती है, एंड रिड्यूस्ड बॉडी फॉर्म्स और बॉडी फॉर्म्स भी रिड्यूस हो जाती हैं दैट आर एवोल्यूशनरी फेलियर्स, जिनको एवोल्यूशनरी फेलियर्स कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ आल्सो कॉजिंग मिसलीडिंग, ये भी मिसलीडिंग कॉज कर रहा है। लैडर लाइक प्रोग्रेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो उसके एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करती है लेकिन वो अक्सर को कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करती है और अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज़ भी करती है। हमेशा एवोल्यूशनरी ट्री जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ नहीं करती, समटाइम्स क्या करती है वो रिजल्टेड होती है इन रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। समटाइम्स जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एवोल्यूशन के रिजल्ट में रिड्यूस भी हो जाती है। वो कैसे रिड्यूस हो जाती है, कुछ ऐसे बॉडी फॉर्म्स या ऐसे बॉडी ट्रेट्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को लाइफ जो है वो उसके अंदर वो उन ऑर्गेनिजम्स के साथ वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उन ट्रेट्स के साथ उन बॉडी फॉर्म्स के साथ वो अपनी लाइफ को जो है वो मेंटेन नहीं रख सकता। तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जब सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा उन ट्रेट्स और उन बॉडी फॉर्म्स की वजह से तो उस ऑर्गेनिजम्स की या तो डेथ हो जाएगी और या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन के रिजल्ट में हर बार ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो, अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस्ड हो जाती है और उसके रिजल्ट में एक्सटिंक्शन भी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके अंदर भी यही सेम बात की गई है। वो कह रहे हैं कि इन मैनी केसेज एवोल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस फीनोटाइप्स दैट सर्वाइव अंडर कंडीशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बहुत केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि एवोल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स कहते हैं ऐसे ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को, जिनके अंदर एग्जांपल्स आती हैं, हाइट की एग्जांपल आती है इसके अंदर, आई कलर की एग्जांपल आती है, इसके अलावा इसके अंदर ब्लड टाइप की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो होते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, अगर ये प्रोड्यूस ना हो इन ठीक है, इनकी जगह पर कोई और ट्रेट प्रोड्यूस हो जाए जो किसी एनवायरनमेंट के अंदर किसी कंडीशन के अंदर सर्वाइव ना कर सके तो फिर उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मैनी केसेस एवोल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइप्स। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर एवोल्यूशन के रिजल्ट में ऐसे फिनोटाइप्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं जो कि किसी भी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक्सटिंक्शन अकर्स, उसके रिजल्ट में एक्सटिंक्शन हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सटिंक्शन होती है इसको ट्री डायग्राम्स के अंदर शो नहीं किया जाता, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटिंक्शन होती है ट्री डायग्राम्स के अंदर उसको शो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव 7th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इसके अंदर इसकी जो हेडिंग है दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन एज इन्वर्टेड कोन। वो कह रहे हैं कि जो कॉमन फाइलोजेनी है इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एज इन्वर्टेड कोन और ट्री। कॉमन फाइलोजेनी मतलब
कॉमन फाइलोजेनी के अंदर क्या आता है, फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम आती है। वो कहते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम है ये इन्वर्टेड कोन की तरह शो हो रही है या फिर ये एक ट्री की तरह शो हो रही है। इन्वर्टेड कोन की तरह शो होगी तो कोन अगर सीधी कोन देखें तो ऐसे होगी, है ना। ओके, जो सीधी कोन होगी वो अगर ऐसे होगी तो उसको इन्वर्टेड कर देंगे तो ऐसे हो जाएगी, एक रूट पॉइंट आ जाएगा और ऊपर ऐसे शो होगा कि ऊपर डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो कॉमन फाइलोजेनी है या तो वो इन्वर्टेड कोन के जैसे शो होती है या वो एक ट्री के जैसे शो होती है, जैसे ट्री के अंदर एक रूट होता है और उसके ऊपर डिफरेंट उसकी ब्रांचेज होती हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री होती है या वो इन्वर्टेड कोन की के से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर उसको एक ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कह रहे हैं कि इट हैज़ नैरो ट्रंक, इसके पास एक नैरो ट्रंक होता है और मैनी हायर ब्रांचेज, और बहुत सी हायर ब्रांचेज होती हैं। नैरो ट्रंक कहते हैं, ट्रंक कहते हैं स्टेम को या फिर बेस को। तो कह रहे हैं इसके पास एक नैरो स्टेम होता है या बेस होती है और ऊपर बहुत सारी मैनी हायर ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं इट इज़ आल्सो मिसलीडिंग, कि ये भी मिसलीडिंग क्रिएट कर रहा है। कैसे मिसलीडिंग क्रिएट कर रहा है? बिकॉज इट शोज़ दैट एवोल्यूशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिकॉज क्योंकि ये ट्री ये शो करता है कि जो एवोल्यूशन होती है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इट इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, और ये डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अकसाम का पैदा होना, अकसाम का पैदा होना। तो वो कहते हैं कि जो ट्री डायग्राम है ये शो करता है कि इससे एक रूट होता है और मतलब उससे ये शो करता है कि इससे डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज होती है, कि बहुत सारी जो इकसाम हैं वो पैदा होती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहता है कि जो एवोल्यूशन है ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, इससे डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज नहीं होती है। क्योंकि वो कहते हैं अगर हम फॉसिल्स रिकॉर्ड्स को देखें तो ये इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर देता है। फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है कि जो एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है या ये डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करता है। इसके अंदर वो एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि हमने जो इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्म्स उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड्स देखे और हमने ये देखा कि इकाइनोडर्म्स के फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के अंदर ये देखा कि इकाइनोडर्म्स के 22-30 ग्रुप्स जो हैं वो उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने मॉडर्न ग्रुप्स देखे हैं इकाइनोडर्म्स के, तो मॉडर्न ग्रुप्स जो हैं इकाइनोडर्म के वो सिर्फ 5 हैं। तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। अगर फॉसिल्स के अंदर 20-30 ग्रुप्स हैं इकाइनोडर्म्स के, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ उस वक्त पर उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन थी वो ज़्यादा थी, और अब अगर मॉडर्न रिसर्च में देखें तो इनकी डाइवर्सिफिकेशन कम हो चुकी है। पहले 20-30 ग्रुप्स थे तो अब 5 रह चुके हैं। तो अगर फॉसिल्स रिकॉर्ड्स को देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का कि एवोल्यूशन डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज़ करती है, ये गलत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, इट इज़ आल्सो मिसलीडिंग। इसी टॉपिक के अंदर वो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि दिस एवोल्यूशनरी लाइनेज अंडरवेंट रैपिड इनिशियल एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन। अंडरवेंट का मतलब होता है गुजर गया। वो कहते हैं कि ये जो एवोल्यूशनरी लाइनेज है ये बहुत रैपिड इनिशियल एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन से गुजर चुका है। इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन वो डाइवर्सिफिकेशन होती है जो कि इब्तदाई दौर के अंदर हो चुकी हो, इब्तदाई दौर के अंदर जो इकसाम बन चुकी हों उसको कहते हैं इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन। वो कहते हैं कि ये जो एवोल्यूशनरी लाइनेज है ये अपनी इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन से गुजर चुकी है, और इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन के बाद कोई भी डाइवर्सिफिकेशन जो है फर्दर नहीं होती। लिहाजा वो कहते हैं कि इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन जब हो जाती है तो उसके बाद एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब अगर इकाइनोडर्म्स की बात करें तो इस दौर के अंदर इनकी इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है, रैपिड एवोल्यूशनरी इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पर हो चुकी है। और फिर इनिशियल जो इब्तदाई डाइवर्सिफिकेशन है, इब्तदाई डाइवर्सिफिकेशन के बाद कोई भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है। इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन के बाद वो कहते हैं एक्सटिंक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है उसकी जो ग्रुप्स होते हैं या जो एग्जाम होती हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं एक्सटिंक्शन के रिजल्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि इसके अंदर एक पैलियंटोलॉजिस्ट हैं, पैलियंटोलॉजिस्ट जिनका नेम है स्टीफन जे गोल्ड, का नेम है स्टीफन जे गोल्ड, और उन्होंने एक टर्म दी है रैपिड एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन को, उन्होंने एक टर्म दी है दैट इज़ कॉन्टिनजेंसी। कॉन्टिनजेंसी के मीनिंग होते हैं रैपिडली, तो उन्होंने रैपिड एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन को जो टर्म दी है वो
कॉन्टिंजेंसी उस टर्म को कहते हैं, और ये टर्म स्टीफन जे कोल्ड ने दी है, ठीक है। इसके बाद वो एंड पर ये कहते हैं कि डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जो एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम है इसको बुक्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है, इसके ज़रिए से डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ली जा रही है, इन ट्री डायग्राम्स को डिफरेंट बुक्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये यूज़ होती हैं बुक्स के अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, दैट वॉज अबाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड द ट्री डायग्राम्स। होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos, my channel, and please subscribe my channel.